ये सब गोदी मीडिया बोल रहा है कि ये हिंसक हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये वो नक्सलवादी हैं, पर आप यहाँ पे आए हो और आसपास के लोगों से जो परमानेंट जहाँ से पहले रह रहे हैं उनसे पूछ कर देखना कि हम कैसे लोग हैं। वो अब ये बोल रहे हैं कि आप यहीं पे रह लो हमारे पास, आप बताओ कि हम आतंकवादी होंगे ऐसे जो हमको ऐसे वो लोग प्यार दे रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल मारुति में हूँ, तो ये मेरी मारुति की ड्रेस है सर। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, सोनीपत से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं रह रहा हूँ दिल्ली में। यहाँ जो लोग हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इन लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये लोग हैं ना हमारे, जो हमारे जितने भी सरदार भाई हैं, जितने मेरे हरियाणा से हैं सर, इनका बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है और शायद लाइफ में ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं है जैसा अब हुआ है। और ये आंदोलन जो है ना, ये आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसा भी आंदोलन एक भारत देश के अंदर हुआ है। और ये जितने भी हमारे बॉर्डर हैं जैसा भी है, मतलब इतने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन हो रहा है। और सर ऐसा आंदोलन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मेरी यहाँ पे माता भी आई हैं, बहन भी आई हैं, मेरे बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं, बाय द वे हम कभी भी जब भी हमें भूख लगती है हम कहीं भी चले जाते हैं, तो ये लोग ऐसे मतलब बैठाते हैं और इतनी इज्जत करते हैं और खाना खिलाते हैं, खाना खवाए बगैर तो भेजते ही नहीं है। और लाइफ में मेरा यही कहना है सर, जो जिस मांग के लिए ये खड़े हैं ना, इनकी मांग पूरी हो, इनकी मांग पूरी हो और जल्द से जल्द पूरी हो। इनको भी अपना घर बार देखना है, अपनी खेती बाड़ी देखनी है सर, ये भी अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। तो आपका यहाँ शोरूम है? हाँ जी। या तो आपको तो काफ़ी तकलीफ हो रही होगी? नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही सर, हमें तो ये लोग अच्छे मतलब खाना भी खिलाते हैं, हमें भूख भी लगती है तो हम आते भी हैं इनके पास। आप एक बार देख लीजिए, ये भी रहा खाना, और हमारे ऑफिस में भी यही चलता है। और सर हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हम अच्छे से आते हैं और अच्छे से जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है सर। तो ये लोग जब चले जाएंगे आप तो इनको मिस करोगे? सर मिस तो बहुत ही करेंगे सर, ये तो बहुत, जब एकदम ही सब कुछ कहते हैं, जब घर में कोई मेहमान आता है, कोई चाहने वाला मेहमान आता है, तो ये हमारे चाहने वाले जब ये चले जाएंगे ना, तो हमारा वाकई में दिल नहीं लगेगा सर। और ये भी एक बात है सर, जिस दिन ये चले गए ना, मैं भी उस दिन अपने घर चला जाऊंगा। ये सर गोदी मीडिया वो फैला रहा है, अब तक एक साल होने को आ गया है, किसी ने आज तक किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज तक नहीं किया है, बोलने तो दूर की बात है, किसी लड़की को कोई भी लड़की जाती है या औरत जाती है, किसी ने कुछ बोला नहीं अब तक। अपना प्रोटेस्ट में है, प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है मैं वहाँ से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ इस आंदोलन से। और मैं औरों भाइयों को भी अपील करता हूँ, जितने भी भाई आ सकते हैं जरूर आए, थोड़ा थोड़ा टाइम दें, योगदान दें, ताकि उनको भी पता लगे कि किसान कैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैसे अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। और लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि जब लोगों को हम जागरूक करेंगे तो उसका और ज्ञान बढ़ेगा कि हाँ जी किसके लिए लड़ रहे हैं। ये अकेला किसानों का नहीं है, ये सभी मजदूर भाइयों का, सभी का आंदोलन है। मैं तो सभी को बोलूँगा, अपील करूँगा कि जितना भी हो सकता है इस आंदोलन में वो अपना साथ दें।